Hello, welcome to our new episode of Journey. Have you heard about the saying of frog on the barbed wire thing? Vaguely main suna karta tha, but it's a very interesting recollection, an anecdote. Ki 1978 mein maine अपनी फिल्म एक बार फिर जब बनानी शुरू की, उसकी शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो 1979 की जनवरी में शायद 2 तारीख को एक कार्ड आया. बहुत से कार्ड आते थे उन दिनों. एक कार्ड आया इंडिया टुडे की तरफ से. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैंने शायद पिछली जर्नी के किसी एपिसोड में इसका वेगली जिक्र भी किया हो, बट टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस कार्ड में जो कवर था उसके ऊपर कटीले तार था, एक कटीले तार लगा हुआ है और उसके ऊपर एक मेढक बड़ा इस तरह से पकड़ के अपने आप को बैलेंस सा कर रहा है और ऊपर लिखा हुआ था, ऑल प्रोग्रेस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ दोज हु टुक अनपॉपुलर पोजीशंस. मेरी हालत एग्जैक्टली वैसी थी उस वक्त. मैंने सिर्फ अपने दीवानेपन में एक फिल्म शुरू कर दी, पैसे लगा दिए, शूटिंग हो गई, ये सब हो गया और पैसे की बहुत बड़ी तंगी थी. आगे वो भी जो पहले जुड़ाए थे वो ख़त्म हो चुके थे, अपने खुद के पैसे. आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी और रिमाइंडर्स आने शुरू हो गए थे जिन जिन से क्रेडिट लिया था, तो बहुत ही अनपॉपुलर पोजिशन थी. तो ऐसे में जब ये कार्ड आया, उस कार्ड ने मुझे इतना बल दिया कि ऑल माई पिस्टन्स गॉट फायर्ड और मैं फिर से पूरे पूरे जोश के साथ लग गया. और लंबी कहानियां हैं, उसके भी एनेक्डोट्स हैं कि कैसे मेरे बैंक मैनेजर साहब ने खुद मुझे फ़ोन किया. वो भी 2 या 3 तारीख को आए, उनकी इच्छा थी आके देखने की भाई कैसे काम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट एक्सटेंड किया था मुझे. और वो कैसे आके हम एक पब में शेपर्ड्स पाई खाने के लिए और वाइन पीने के लिए गए और मैं अपनी तकलीफ ध्यान करता रहा. और सडनली उन्होंने कहा, लुक आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी कस्टमर जिसको हमने पैसे एक्सटेंड किए हों बाई क्रेडिट. दे ऑलवेज ट्राई टू पेंट ए वेरी ब्राइट पिक्चर, ये अच्छा हो रहा है, वो हो रहा है, बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए कस्टमर लाइक यू जो अपनी परेशानियाँ ही बताता रहता है कि ये हो गया पर कितनी प्रॉब्लम आ रही है, टेल मी फॉर द लास्ट टाइम हाउ मच मोर मनी यू वांट बाय वे ऑफ क्रेडिट. नाउ दैट केम एज अ सरप्राइज. और मैं डरते डरते कहा, 5,000 pounds मोर. ही स्टेट ऑफ ए सेंक्शन. ही सेड नो मोर मनी आफ्टर दिस, बट दैट 5,000 pounds वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो That became my ये मंत्र बन गया आगे के लिए कि भाई अगर काम ज़रा हटके करना है तो आपको हमेशा एक मेढक जो कटीले तार पे होता है उस तरह से आपको झूलते हुए संभालते हुए करना पड़ेगा. और मैं करता गया, आगे हम बढ़ते गए. इसी से मिलते जुलती एक और एनेक्डोट है. 72 में तब मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लंदन में एक कमरे से शुरू ही की थी. कितने में इजिप्ट मिडल ईस्ट की वॉर हो गई और गवर्नमेंट की फोर्सेस वहाँ लग गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे आ गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे खर्च करने के लिए, तो बहुत सख्ती की हालत हो गई, परेशानियाँ हो गई. तो ऐसे में एक दिन हम सामने ही जो एक होटल था उसके मैं बियर पी रहे थे हम लोग, तो एक ज्यूइश बुजुर्ग मेरे साथ थे. उनका भी एक सबसे ऊपर के बाले पे एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो पुराने प्रेशियस मेटल्स के टुकड़ों को इकट्ठा करके लोगों से उन्हें बेचा करते थे, छोटी सी कंपनी. तो ही टोल्ड मी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मेरा एक मंत्र बढ़ गई आगे के लिए. और व्हाट वाज दैट? ही सेड कि ज्यूइश सेइंग है कि अगर आप जुए की टेबल पर कहीं बैठे हैं और आपके के ऊपर मार पड़ गई, हार गए, दोबारा खेला
उस टेबल पे उस गोल जो घूमता है वो रोलेट रूलेट, फिर हार गए, तीसरी बार भी हार गए, पर उठो मत, छोटा छोटा खेलो, बहुत ही छोटे छोटे हाथ खेलो, बहुत ही छोटे छोटे हाथ, पर उठो मत, बिकॉज योर टर्न विल कम। एंड वो बिल्कुल सच साबित हुआ, मैंने उसे भी अपना मंत्र बना लिया। क्यों कह रहा हूँ मैं ये सारी बातें, क्योंकि जर्नी में एज आई सेड बिफोर वी टॉक अबाउट वे साइड नगेट्स, WSN, वे साइड नगेट्स, मतलब वो बातें जो आपको बल देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं, आपको इंस्पिरेशन देती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वो मेरा मंत्र बन गया और मैं लगा रहा, जूझता रहा, और फिर वो वक्त सडनली आया, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री फिर उठी, मैंने बहुत अच्छा काम किया, नए क्लाइंट्स आए, पैसे मैंने अच्छे कमाए, वो पैसे मैंने जोड़े, और अल्टीमेटली वन डे आई मेड माई ओन फिल्म। जीवन में कुछ भी करें तो एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो एक किस्म की दीवानापनी है, ऑब्स्टिनेसी कह सकते हैं उसे, यू नो, अरे लगे रहना, पर हटना नहीं। मैंने बल्कि खुद भी एक छोटा सा नगेट बनाया बाय वे ऑफ ए ट्वीट, दैट वाज, एंड आई ट्वीटेड इट फ्यू इयर्स अगो, इट वाज गॉड्स ऑब्स्टिनेसी दैट ही नेवर लेट मी, दैट इट वाज गॉड्स ऑब्स्टिनेसी दैट ही ऑलवेज कैप्ट मी ऑन द टेंटर हो, लटका के रखा, एंड इट वाज माय ऑब्स्टिनेसी दैट आई नेवर लेट गो ऑफ द टेंटर हुक, लटका रहा मैं उस छोटे से। पर उस लटके रहने का फायदा ये होता है कि अल्टीमेटली आज तक झूलते हुए घबराहट भरे माहौल में भी, बहुत ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी खड़े रहे और कुछ ना कुछ कर सके, ये जो ऑब्स्टिनेसी है ये भी बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर क्रिएटिव काम जो आप करते हैं, क्रिएटिव जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें ये ऑब्स्टिनेसी, ये दीवानापन बहुत आवश्यक है। अगर आप बिलीव करते हैं किसी चीज़ में, उसमें लगे रहना बहुत ज़रूरी है। जब हालात बहुत ही ट्राइंग हो, आपको कोई दरवाजे पे दस्तक ना दे रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्स्टिनेसी का वो हिस्सा है। ऑब्स्टिनेसी तभी काम आती है जब आप कुछ ना कुछ, क्रिएटिव फील्ड वाले खासतौर पे, कुछ ना कुछ दिखाई पड़ते रहें, चाहे जुगनुओं की तरह ही टिमटिमाते हुए ही सही, आपको कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी है। इन आवर लाइन, इन द लाइन ऑफ क्रिएटिव प्रोफेशंस, विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल, तो आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा दिए में, और बहुत चमकदार दिया लाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बहुत ही छोटा छोटा खेलिए, पर विजिबल होते रहिए। अगेन, दिस इज द रिइटरेशन ऑफ दैट जूश सेइंग दैट माई फ्रेंड हैड टोल्ड मी। तो इस पर एक तरह का नगट कह लीजिए, एक तरह का दोहा कह लीजिए, एक तरह का कपलेट या शेर कह लीजिए, जो मैंने भी लिखा, जो कि एक दूसरे शेर से, कपलेट से प्रभावित है। मैंने लिखा, सर्द स्याह रातों में टूटे चिराग भी जब मैसर न हुए, तो खुद ही जुगनू बने और खुद तमन्नाओं को जलाकर रोशनी की हमने। Because the couplet that was told to me by a friend of mine was, इन्हीं खंडहरों में मिलेंगे टूटे चिराग, उन्हीं से काम चलाओ कि बहुत स्याह है रात। ये जो टूटे हुए खंडहर हैं बिल्डिंग, वहीं कुछ छोटे मोटे टूटे हुए दिए मिल जाएंगे, उन्हीं में थोड़ी थोड़ी जो तेल बच गई हो उन्हीं में बत्ती जलाओ, रोशनी करो। लेकिन मैंने लाइफ को, क्योंकि हमें उससे भी ज़्यादा जूझना पड़ा, तो मैंने उसका चेंज करके लिखा, सर्द स्याह रातों में टूटे चिराग भी जब मैसर ना हुए, तो खुद ही जुगनू बने
तमन्नाओं को जलाकर रोशनी किया हमने. वी हैव टू डेवलप दैट स्पिरिट दैट यू लेट गो ऑफ सम ऑफ योर एम्बिशंस इन ऑर्डर टू गिव ऑयल टू अदर स्मॉल एम्बिशंस विच कैन बिकम विजिबल सून. Because visibility is important. Otherwise, people will forget you. And then you will lose even that big chance which will come your way. इसके लिए क्या जरूरी है? और इसके लिए मैं अपने आप को क्या बता सकता हूँ? कैसे justify कर सकता हूँ? What am I doing about it? Because frankly, after the age of 80, I'm fairly invisible. So in order to make myself visible, वो टूटे चिराग उसके लिए या वो जुगनू बनना या अपनी तमन्नाओं को जला के बड़ी एम्बिशंस को साइड में रखा, बड़ी बड़ी फिल्म बनाने का, छोटी चीज़ें करनी शुरू की, छोटे छोटे यू नो वेब सीरीज टाइप की एक्सपेरिमेंट्स और ऐसी चीज़ें जो फिक्शन में नहीं है, जैसे फोर फिंगर्स फार्मूला मीडिया के बारे में मैं करता हूँ, जैसे ये वीडियो जर्नी जो कि एनेक्डोट्स हैं, जो कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित करने वाले अवयव हैं, गुर हैं, उनको याद करना, ये भी विजिबिलिटी का हिस्सा है. तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस. आई एम डूइंग ए प्रोग्राम ऑन रेयर फिल्म्स व्हिच हैव बीन फॉरगॉटन और फॉलन बाय द वेसाइड बिकॉज दैट्स ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर ओन फील्ड. मैं और हमारी साथी हैं मधु जी, मधु श्रीवास्तव, हम मिल के करते हैं. इसी तरह से और बहुत से प्रोग्राम हर दिल अजीज, ये करके हमको मालूम है कि एकदम पैसा या धन इस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं. और जब एप्रिसिएशन मिलता है तो उसकी आहट होती है, वो विजिबिलिटी में लाती है आपको. और विजिबिलिटी आपके लिए ज़रूरी होगी जब आप बड़ा काम करेंगे. सो ऑल दीज टिडबिट्स, दीज वीडियोज हेल्प. यू नो ये सब करते वक्त दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी आप करेंगे इस तरह से तो जुगाड़ में करेंगे. तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि कम से कम पैसे में, कम से कम साधन में किस तरह से लोगों को एंकरेज करके, उन्हें प्रोत्साहित करके आप कुछ कर सकें. आई थिंक अनुराग कश्यप साहब ने बहुत खूबसूरत बात इस बारे में कही है कि जब डिफिकल्ट हो जाता है, व्हेन द गोइंग वॉज वेरी डिफिकल्ट आई स्टार्टेड मेकिंग ऑलमोस्ट इन एक्सपेंसिव वीडियोज. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. एक दो चीजें आप हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम बड़ी जल्दी एक डिप्रेसिव सी स्टेट में आ जाते हैं जब हमें फाइनेंशियल रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता. हमको जीतने के लिए कंप्रोमाइज करना आवश्यक है. इसी जब आप जुगाड़ में कुछ कर रहे हो तो आपके कांटेक्ट में दूसरे लोग आएंगे, वो भी जुगाड़ में कुछ कर रहे हैं, पर वो अगर कुछ तरह कर रहे हैं और वो आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं, डू दैट एंड डोंट पुट ए प्राइस फॉर योर कंट्रीब्यूशन. बिकॉज प्राइस आप रखेंगे तो वो कोऑपरेशन नहीं होगा, वो तजारत हो जाएगी. तजारत हो जाएगी तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप उसका भी काम नहीं करेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे, विजिबिलिटी के फैक्टर से दूर हो जाएंगे. इसलिए जब जुगाड़ की स्थिति हो तो कोऑपरेट, कॉन्ट्रीब्यूट एंड डोंट पुट ए प्राइस. मुझसे एक दफ़े यश चोपड़ा जी ने मेरे पास लोग भेजे एक पार्ट कराने के लिए, रोल कराने के लिए, और वो बार बार मुझे बाद में कहते थे, बहुत खुश भी थे कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, बताना क्या है. मैंने कहा सर मेरा आपको कोई मेरा वो नहीं है, मैं एक रुपया लेता हूँ, दैट इज़ माई फीस. वो बार बार मुझे कुछ महीनों बाद फिर रिमाइंड कराते थे यार कॉन्ट्रैक्ट बनना है, तो मैं उनसे कहता सर मेरी फीस है एक रुपया, अब अगर आपको लगता है कुछ और देना तो आप कीजिए. क्योंकि इससे क्या होता है, मैंने उनकी झिझक दूर कर दी, लेकिन उनकी वो झिझक दूर करके मैंने अपना फ़ायदा किया, क्योंकि गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट व्हाट यू हैव टू डू. एंड रिमेंबर, डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, बिकॉज देर आर ओनली 1 or 2% पीपल इन दिस वर्ल्ड, मिस्टर मुकेश अंबानी और अदानी साहब, जिनको कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको दूसरों को जूझना पड़ता है और डिटर्मिनेशन के साथ जूझना पड़ता है जीतने के लिए. मुझसे कोई पूछता है अगर कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ होगा आपका, देन आई से आई एम ए वर्क इन प्रोग्रेस, चल रहा है, आई एम वॉकिंग, प्रोबेबली आई शैल स्माइल.
गुड बाय।